हेलो दोस्तों, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूं, जो 17 तारीख 7वां महीना 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। जो अभी पेपर जिन बच्चों ने दिया है, उन बच्चों ने हमारे पास व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन शेयर किए थे, ठीक है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन शेयर करे, एक दो जितने भी थे, उनको जितना याद था उन बच्चों ने उतने क्वेश्चन शेयर कर दिए मेरे पास, और उनको क्वेश्चनों को फटाफट मैंने वीडियो बना दिए। वीडियो इसलिए बना दिए क्योंकि जो सेकेंड सेम का पेपर है, तो वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर सकें, जिससे कि वो भी वहाँ पे जाके इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं होगा बच्चों, बस ये रहेगा कि इन क्वेश्चनों को ऊपर और नीचे लगा दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन में पेपर में आपके यही क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। बस इनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और जब आप देने सेकंड सेम का पेपर निकलो वहाँ से देकर, तो आप भी अपने एक दो क्वेश्चन जितने आपको याद रहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर इस पर शेयर कर सकें, जिससे कि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके जो हमारे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपके लिए मैंने प्रोवाइड करी है, दूसरे बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन शेयर करे, इसी तरह से मैं ये वीडियो बना दी आपके लिए फ़ायदा हो जाए, उसी तरह से आप भी शेयर करें और उन बच्चों के लिए फ़ायदा हो सकेगा। तो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस नंबर पर हमारे शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 888-7-1-1-3-9-7-7। इस नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। ये आपकी जवाबदारी है, क्योंकि उन बच्चों ने भी हमारे पास शेयर किया, तो आपके भी आपका भी फर्ज बनता है कि एक दो क्वेश्चन जितने भी आपको याद रहे तो हमारे पास शेयर कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं अपना। तो क्वेश्चन है हमारा, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आपके लिए फ्री में ये प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, सभी लोगों में ये शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। लोहे का इलेक्ट्रोड ये वाला होगा, या बी नंबर कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड इसका ये होगा, या फिर सिलिकॉन इलेक्ट्रोड होगा, या फिर कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड होगा। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताया करो। बहुत बढ़िया, बी नंबर सभी ने इसका आंसर दिया। क्या दिया, बी नंबर कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसमें एक्स चिन्ह दिया आपके पास सामने, ये डायग्राम दिया है, इस तरह का डायग्राम आएगा। आप डायग्राम ध्यान रखना है इसका, क्योंकि इसमें तीन चार डायग्राम है, नहीं तो मालूम पड़े आप ये डायग्राम देख के इसको क्लिक कर दो, ये नहीं करना है। इसमें नाम पूछा है, इस डायग्राम में देख सकते हो, ये तीर का निशान दिया, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है ये देख सकते हो आप, इस पुर्जे का इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम बताना है। सब में अलग अलग रहेगा, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं तो एकदम तुरंत नहीं लगाना है, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। नोजल, भारी गैस चाप इलेक्ट्रोड, या फिर रजिस्टर, बताइए इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत दिया करो, कुछ बच्चे इसमें कमेंट बॉक्स में जितने जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से यह फ़ायदा है कि आप अगर गलत लगाओगे, क्योंकि वहाँ गलत लगा दोगे तो आप फिर सही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे आप इसका आंसर तुरंत दीजिए। इसमें सही गलत क्या है तो यहीं आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर है वो है ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर नोजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये डायग्राम दिया, ये मशीन, इसका नाम पूछा, तो इन चारों में से हमारा इसका चारों में से राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा है इन चारों का, इनमें जो पुर्जा दिया है इसका इन चारों में से बताना है, इनमें से कौन सा सही है इस पुर्जे का नाम इसमें से। तो इन चारों में से फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी, इसका आंसर सी नंबर दिया सभी ने, क्या दिया, सी नंबर
रागकर आलरम, इसका राइट आंसर क्या होगा, रागकर आम्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्पॉट बेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए फिर से वापस ये चित्र को देखिए, वापस दोहरा दिया, देखो ये देखो मैंने बोला था ना आपको, इस तरह के क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं इस तरह के। अब देखिए इसमें क्या डायग्राम में देखिए, इसका देखो अलग पूछ लिया, ये देखें इसमें पुर्जे का नाम अलग पूछा है, इसमें देख सकते हो ना, और उसमें ऊपर दिया था यहाँ पे इसका पुर्जे का नाम पूछा था, तो इस पुर्जे का नाम क्या है इन चारों में से पटाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, इसका क्या आएगा फटाफट बताओ। बहुत बड़े आंसर है सभी बच्चों ने इसका आंसर लगाया है, ए नंबर, ए नंबर सभी ने इसका आंसर लगाया है, एयर सिलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेल्ड जॉइंट पर कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का उभार पैदा करती है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, कुछ बच्चों इसका आंसर गलत लगा रहे हैं, कुछ बच्चे इसका सही, ज़्यादा बच्चे सही लगा रहे हैं और 8-10 बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर सही होगा ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट फ्लैश बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है इसका सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग स्टेनलेस स्टील वायर मेस और सर्जिकल उपकरणों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं इसको वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप आईटीआई करने के बाद आपके यहाँ पे सरकारी के रिलेटिव कंपटीशन कराई जाती है, सरकारी से रिलेटेड जितनी भी मतलब वैकेंसियाँ वगैरह आती हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, रेलवे अप्रेंटिस हुआ, डी ग्रुप हुआ, ठीक है, इस तरह की जो भी वैकेंसी आती हैं वो DIDO हुआ, जो भी है वो सारी प्रोवाइड की जाती है इस पर, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। अप्रेंटिस के लिए भी आपको यहाँ से अप्रेंटिस जैसे 10वीं हो जाती तो एक अप्रेंटिस भी होती है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट भी होती है, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी आपको। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जितने नए बच्चे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता रहेगा आगे भी। तो इन चारों में तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर होगा, सभी बच्चों ने इसका सी नंबर लगाया, बहुत बढ़िया, माइक्रो प्लाज्मा बेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्लाज्मा आर्क बेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील निकल मिश्र धातु की बेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो इन चारों में तुम्हारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, इसका फटाफट आंसर देते जाइए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उतने बच्चे इस पे आंसर नहीं दे रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए, नहीं तो बाद में आप फिर पछताओगे, यूँ बोलोगे मैं वहाँ पे आंसर नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे आप इसमें टिक लगाओगे सेम इसी तरह से ही आएंगे क्वेश्चन, वहाँ पर आपको बता दूँ, वहाँ भी टिक लगाना है आपको, यहाँ भी टिक लगाना है, बस ये है कि अंतर वहाँ पर अपन को माउस से चलाना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं, यहाँ पर अभी आपको उंगली से चलाना पड़ेगा इसको और कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अगर आप गलती करोगे ना तो चल जाएगा, वहाँ गलती करोगे तो नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, आपको जब रेल जब भी आप अप्रेंटिस वगैरह करो वो मेरिट बनती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छे नंबर इसमें परसेंट बनाने हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ये मत सोचना कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ऐसा कह रहा हूँ, तो ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा सी नंबर, इसका सी नंबर हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, माइक्रो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में करंट की रेंज क्या होती है,
तो क्या रेंज होती है इन चारों में से, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे पेपर सुबह जो बच्चों ने पेपर दिए थे ना उसके उन बच्चों ने शेयर किए हैं व्हाट्सएप में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में फिर आप पछताओ कहेंगे हमने लगाया नहीं पेपर, ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया आंसर सभी बच्चों ने, इसका आंसर सी नंबर लगाया, बहुत बढ़िया आंसर दिया इसका, क्या हो जाएगा 0.05 to 15 amperes इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेल्डिंग प्रक्रिया स्पॉट वेल्डिंग किससे संबंधित है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों, इसका आंसर बहुत बढ़िया लगाया वो है, क्या हो जाएगा इसका, कुछ बच्चे गलत लगा रहे हैं इसका, जिन बच्चों ने गलत लगाया वो सही कर लेना, इसका सी नंबर आंसर आएगा, क्या आएगा सी नंबर, प्रतिरोध वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने इसका, एक साथ आंसर दिया सी नंबर लगाया है, बहुत बढ़िया, तो काफ़ी बच्चों ने सही लगाया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए अस्त्र जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रोड स्टेटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है फटाफट बताइए। बहुत बड़े आंसर लगा रहे हैं सभी लोग, इसका आंसर सही दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों इसका सही आंसर लगाया है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर, पाउडर कोटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टेस्ट का पता लगाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोगों ने, इसका आंसर लगाया ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए नंबर, वेल्ड के गुणों और डिजाइन की गई स्थिति को जानना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता का आधार क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है फटाफट बताइए। एक सूचना और है, आप जब भी सेंटर पर जाएं तो अपना एक आधार कार्ड साथ में ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, एडमिट कार्ड भी चेक करेंगे, आधार कार्ड भी चेक करेंगे आपको गेट पर ही, तो ये लेकर ज़रूर जाना, ठीक है। तो इन चारों में तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया सभी ने इसका आंसर दिया ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा गुणवत्ता वेल्ड प्रदर्शन योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेल्ड प्रक्रिया योग्यता में बताई गई विशेषता क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए। बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन मैंने तुरंत प्रोवाइड किए हैं ये वीडियो, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए नंबर, आवश्यकता आवश्यक इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तांबे और तांबे पर आधारित मिश्र धातु के तहत कवर किए गए वेल्डिंग के लिए ग्रुपिंग पी कोड संख्या क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है, तो इसका कोड क्या है ये बताइए संख्या में। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं सभी लोग, इसका बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं
सभी ने इसका आंसर दिया सी नंबर। सी नंबर मतलब सही है ये आपका आंसर। क्या हो जाएगा? पी 41 टू पी 35 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि परफेंसिंग मेटल से संबंधित नहीं है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं सभी इसका, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने इसका। बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी नंबर। क्या आ जाएगा? बी नंबर ग्राइंडिंग विधि इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वार्नर आउटसॉफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड कोण क्या होना चाहिए? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने इसका, एक साथ आंसर दिया है सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 डिग्री से 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। आपको फिर दोहरा रहा हूँ, ये पेपर आज का है, शिफ्ट फर्स्ट का है, ये 17 तारीख का पेपर है। यही क्वेश्चन आपके सेकंड में आएंगे, बस इनको ऊपर नीचे लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सी नंबर इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? सी नंबर। प्लाज्मा वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो ये बच्चों ने भेजे थे पेपर हमारे पास, तो ये पेपर आपका आज पूरा हुआ, ठीक है। सेकंड सेम में जिन बच्चों का पेपर है वो व्हाट्सएप पे ज़रूर हमें मैसेज करें, जितने भी क्वेश्चन याद रहें आपको, एक दो जितने भी याद रहें तो व्हाट्सएप पे आप सेंड करें। तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइबर कर लें, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है।